मिलियनेयर बाप की बेटी होकर यहाँ बच्चों की काउंसलिंग ना कर रही होती। क्या सिद्रा, तुम्हें पता है ये तो मेरा शौक है। शौक नहीं है, खुददारी है, ईगो है ये तुम्हारी। तौबा तौबा, बाप मिलियनेयर और बेटी यहाँ आके 20,000 की नौकरी कर रही है। एक मिनट, मैं अपने बाप के करोड़ों के पीछे अपने पकौड़ों को नहीं छोड़ सकती हूँ। और वो वैसे भी करोड़ों रुपया मेरे बाप का है, मेरा नहीं है। मैं अपने बाप के पैसे पे याशी नहीं कर सकती। और मैं जकी की बात कर रही हूँ और तुम घुमा फिरा के बात कहीं और लेके जा रही हो। मैं नहीं, तुम जकी को घुमा रही हो। कसम से मेरे लिए कोई इस तरह करता ना तो मैं उसे अपने दोनों हाथ दे चुकी होती। तुम उसे जख्मी कर रही हो। बिल्कुल अच्छा कर रही हूँ मैं, इसी तरह से समझेगा वो। और फिर भी ना समझाना तो मैं उसका सर कुचल दूँ। तो फिर एक काम करो, तुम मुझे जकी से मिला दो। क्या पता उसे मैं पसंद आ जाऊँ, तुम्हारी इससे जान छूट जाएगी और मेरी इस नौकरी से सुकून से उसकी बीवी बन के अपनी जिंदगी गुजारूंगी। शट अप सिद्रा, जकी की शादी मेरी बहन से होगी, दैट्स इट। उसके बाद कुछ भी नहीं। ये स्कूल है या कोई शादी ऑफिस जहाँ आप दोनों बैठकर अपनी बहनों की शादियों की प्लानिंग करती रहेंगी? खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करें आप दोनों। अगर यही हाल रहा ना तो इस स्कूल से डॉक्टर, फिलोसोफर या कोई आर्टिस्ट नहीं निकलेगा, बल्कि दुल्हा और दुल्हन निकलेंगे। अल्लाह बस इस कौम पर रहम करे जिनके बच्चों की जिम्मेदारी तुम जैसी लड़कियों के हाथ में है। हाँ, आ रहा हूँ।